नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। विवियन को टॉर्चर किया गया, हालांकि ये भी साफ हो गया है कल के टास्क में कि रजत में काफी ज्यादा पावर है, जो कि देखी भी गई है। हालांकि अविनाश ये नहीं मानते हैं कि रजत के अंदर पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं विवियन पर रजत भारी पड़ गए और पहले टीम बी ने, यानी कि करणवीर की टीम ने आउट किया अविनाश को, क्योंकि अविनाश के अंदर उस टीम में सबसे ज्यादा पावर थी। अविनाश को टीम से बाहर किया, उसके बाद विवियन को बाहर किया और फिर चूम को भी बाहर कर दिया। लेकिन इस पूरे टास्क में किस तरीके से विवियन के हाथ में लगी, पैर में लगी और खून उनके पैरों से बह रहा था, बावजूद इसके विवियन ने उस टास्क को बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं ये टीम कमजोर पड़ गई। क्योंकि एक तरफ आपके पास रजत है, दूसरी तरफ करणवीर है, दिग्विजय भी हैं, श्रुतिका पूरे उसको होल्ड कर बैठी है, दूसरी तरफ चूम है, ईशा है, एलिस है, शिल्पा जी ने बहुत अच्छा टास्क किया, विवियन है, अविनाश है, तो ये सारे लोग थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे विवियन को चोट लगी, हाथ में भी लगी, पैर में भी लगी। विवियन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, लेकिन विवियन ने उस चीज़ का इशू नहीं बनाया और ना ही इस चीज़ को लेकर रजत को घेरा। और यही चीज़ लोगों को विवियन की काफ़ी पसंद आ रही है और टीम बी जो है इस टास्क को जीत गई है। तो डेफिनेटली उनमें से ही बिग बॉस किसी एक को चुनने को कहेंगे कि कोई टाइम गॉड बन सकता है। हालांकि ये भी खबरें आ रही है कि कुछ तो हुआ है टीम बी के साथ, जिसकी वजह से टाइम गॉड फिर से विवियन को बना दिया गया है और विवियन फिर से टाइम गॉड बन गए हैं और ये अधिकार टीम बी से छीन लिया गया है। अब किस वजह से छीना है, क्या नुकसान उन्होंने प्रॉपर्टी को पहुंचाया है, क्या सारा की वजह से सारा कलेश हुआ है, क्या सारा की वजह से बिग बॉस ने टीम बी को साइड कर दिया है, वेल ये तो आज के एपिसोड में पता चलेगा।